श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं पिपलांत्री में बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाने पर काम करता हूँ। मैं ये मानता हूँ ऊपर वाले ने जब इंसान को बनाया है उसने दिमाग इसलिए दिया है कि वह अपने साथ साथ यहाँ के वन्य जीवों को भी बचाए या इस प्रकृति को भी बचाए। 2000 से पहले हमारे गाँव की यह परिस्थिति थी कि यहाँ पर सारा जंगल खत्म हो गया था। माइनिंग की वजह से सारा जंगल कट गया, ज़मीनें सारी नष्ट हो गई, वाटर लेवल 700-800 फीट अंदर चला गया था, पीने का पानी नहीं था। पैदल चल के हमारे घर तक आना, अब पहले एक भी पौधा नहीं था। गर्मी के टाइम में छाया में बैठना हो या पानी पीना है तो कहाँ पिए। मेरी बेटी का नाम था किरण, उसको उल्टी दस्त से उसकी डेथ हो गई। गर्मियों का समय था तो मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। मेरी बेटी के जाने पर मुझे जितनी तकलीफ हुई है उतनी की उतनी तकलीफ दूसरे लोगों की होती होगी, ये मेरे मन में विचार आया और मैंने इस पर सोचना शुरू किया। और सोचते सोचते मैं कुछ ऐसे गांवों में गया राजस्थान के जहाँ पर 14-14 साल से बारात नहीं है, लड़कियाँ पैदा होने ही नहीं देते, और पैदा हो भी गई तो जो का एक दाना उस बच्ची के मुंह में डालते हैं नवजात बच्ची के, जिससे गले में इन्फेक्शन होकर वो मर जाती है। मेरे सास ससुर के अनुभव में एक लड़का होते थे, मेरी लड़की हो गई थी, तो मेरे सास ससुर में इतनी नाराज हो गई कि दो लड़कियां होगी, एक तो बोझ पहले से सर पे था ही और दूसरी बोझ बन के आ गई। तो धीरे धीरे एक किरण नीति योजना चालू की कि बेटियां बोझ माँ बाप पे नहीं बनेगी। यहाँ पर जितनी भी बच्चियों का जन्म हो रहा है गांव के लोग उन बच्चियों के नाम पर उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। कृष्ण भगवान को जिस तरह से ले जाया गया था उस तरह से पालने में बच्चियों को उठाकर हमारे सरकारी जमीनों में गाँव वाले ले जाते हैं और वहां पर उस बच्ची के नाम पर पौधे लगाते हैं। और गांव वाले मिलकर उस बच्ची के नाम पर 21,000 रुपए इकट्ठा करते हैं और 10,000 उसके परिवार से लेते हैं। कल 43 लड़कियों की एफडी हुई, तब तक वो बच्ची बालिक नहीं हुई उसके पहले से उसकी शादी नहीं करेंगे। वो पैसे उस लड़की के नाम पे खर्च करेंगे आप, जो उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। गाँव में बेटी का जन्म हो उसके नाम पर वृक्षारोपण हो, गाँव में किसी की कोई देवलोक हो उसके नाम पर वृक्षारोपण हो, इस तरह का काम हुआ। और आज पिपलांत्री ग्राम पंचायत में 3 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं। जो जल स्तर 500 से 600 700 फीट तक नीचे था वो आज जमीन के बराबर आया है, जो पूरे विश्व के सामने उदाहरण बना है। गर्मी में पंखे की हमारी जरूरत नहीं, पंखा है नहीं है सिर्फ लाइट का यूज हम उसी समय कर रहा है, हमको रोशनी की जरूरत है। पिपलांत्री से बाहर निकलते तो वहाँ अलग ही हवा आती है, जैसे प्रदूषण युक्त जो बोलते ना वैसी, और इधर आते तो एकदम से अलग ही लगता है। हाँ आज भी गाँव में वैसा पहले जैसा था। 125 अरब लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं, निवास करते हैं। अगर 125 अरब लोग हर साल एक पौधा लगाकर पेड़ बनाने तक उसका देख रेख करे तो प्रदूषण नाम की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी।